दोस्तों तो कैसे हो आप। देखो आज से इस चैनल पर फैक्ट के साथ एक नई सीरीज चालू हो रही है, नई एपिसोड चालू हो रहा है, जिस एपिसोड का नाम है अजब गजब। तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे अजब गजब सीरीज के एपिसोड नंबर 1 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एलियंस एक्चुअली में है कौन। हम लोगों ने बहुत बार सुना है, बचपन से सुनते आ रहे और बहुत सारी मूवीज भी देखी है कि एक्चुअली में एलियंस है कौन एंड वो हमें दिखते क्यों नहीं। अगर एक्चुअली में एलियंस है तो हमारे सामने आने चाहिए ना, मगर वो हमारे सामने आते नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एलियंस के बारे में थोड़ी डिस्कशन करने वाले हैं। तो यार चलिए वीडियो में घुस जाते हैं। देखो जब भी हमारे मन में एलियंस का सवाल आता है या एलियंस के बारे में जवाब आता है, तो हमें बस कुछ इस टाइप के फोटोस नज़र आते हैं कि उनका बड़ा नाक है, उनका बड़ा सिर है, अन छोटे छोटे मुंह है, अन बड़ा बड़ा दिमाग है। मगर क्या आपको ये पता है कि एक्चुअली में एलियंस कब से फेमस होने लगे अन किस लिए फेमस होने लगे। तो सुनो, एलियंस की बात जब आई है हमारे सामने, जब एलियंस की इन्वेंशन होने लगी, मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में एलियंस घुसने लगे, हमें डिस्टर्ब करने लगे, तब से लेकर आज तक एलियंस बहुत चर्चा में मौजूद है। मगर क्या आपको ये पता है कि एक्चुअली में एलियंस है कौन। देखो मैं आपको बताता हूँ कि मेरी एलियंस के बारे में क्या राय है। सुनो, जो एलियंस है ना वो हमारे खुद के फ्यूचर के लोग हैं। देखो हम आज इतने आधुनिक हैं ना, तो हमारे 100 साल के बाद जो ह्यूमन प्रजाति आने वाली है वो कितनी टेक्नोलॉजी होगी, उसके पास कितनी टेक्नोलॉजी होगी, और तब तो टाइम ट्रैवल, ब्लैक होल, वार्म होल सब कुछ पॉसिबल होगा। हालांकि एक दूसरे यूनिवर्स से भी कांटेक्ट करने का टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मगर कि आपको ये पता है कि एलियंस के बारे में 2 थियरी सामने निकल कर आती है। सबसे पहली थियरी तो यही है कि एलियंस खुद कोई दूसरा नहीं, हमारे फ्यूचर के लोग हैं। वो ऐसे है कि देखो हम टाइम ट्रैवल के बारे में तो सोच रहे हैं, मगर हमसे ये नहीं हो पा रहा है कि हम टाइम ट्रैवल कैसे करें, वो हम लोगों को नहीं पता है। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर टाइम ट्रैवल मुमकिन है तो फ्यूचर भी होगा, अगर फ्यूचर है तभी तो पास्ट हो रहा है, अगर पास्ट है तभी तो प्रेजेंट में अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो अब सोच कर देखो, ताकि यार फ्यूचर के लोग कहीं टाइम ट्रैवल करके हमसे मिलने तो नहीं आ रहे। फ्यूचर के लोग जो कुछ दिखने में ऐसे होंगे, क्योंकि हम पहले बंदर थे और बंदर से एवोल्यूशन होकर आज हम 2 पैर पर खड़े, 2 हाथ से काम कर रहे हैं, और हमारी फेस की जो वैल्यू है और हमारी फेस का जो शेप है, साइज है, वो भी चेंज होते आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि एलियंस खुद हम ही हैं, हमारे फ्यूचर के लोग, आपके पोते का पोता का पोता का परपोता भी हो सकता है वो एलियंस। दूसरी बात, मतलब दूसरी थियरी ये सामने निकल कर आती है कि देखो हमारे धरती पर हम आने से पहले डायनासोर रहा करते थे। तो आपको क्या नहीं लगता कि देखो डायनासोर आने से पहले तो हम लोग नहीं थे, डायनासोर प्रजाति नष्ट होने के बाद हम लोग इस धरती पर पनपने लगे। तो ऐसा ही कुछ किसी और धरती पर, किसी और यूनिवर्स पर हमसे पहले कोई जीवन बिताया हो, हमसे पहले ही कोई लाइफ एग्जिस्ट करती हो जो आज बहुत पावरफुल है, हमसे भी ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए वो हमारे सामने नहीं आना चाहती, मगर वो हमें देख रही है कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, तो ये भी मुमकिन है। तो दोस्तों यार एलियंस के बारे में ये 2 पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, इनको छोड़कर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एलियंस कौन है उसे दर्शा पाए। तो आपको क्या लगता है, इन 2 थियरीज में से कौन सी थियरी आप मानते हो? मैं तो दोनों थियरी मानता हूँ, क्योंकि देखो हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे सिविलाइजेशन होती है, उनमें से हम 3rd सिविलाइजेशन है। तो आपको नहीं लगता कि जो एलियंस है वो 1st सिविलाइजेशन होंगे, जिनके पास बहुत आधुनिक हथियार है, बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जिससे वो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, और अगर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं तो वो खुद हमारे फ्यूचर के नहीं हो सकते क्या? फ्यूचर से पास्ट आई वो हमारे, हमको देखने के लिए कि ये लोग पहले कैसे रहा करते थे। तो आपको क्या लगता है कौन सा थियरी सच बोल रहा है एंड कौन सा थियरी झूठ बोल रहा है? तो यार दोस्तों आज का वीडियो इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, लाइक के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ताकि ऐसे ही अजब गजब वीडियो आप तक पहुँच पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं किसी और अजब गजब वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।